आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीबोर्ड इवेंट। विजुअल बेसिक में हमने देखा था कि इवेंट क्या होता है। यूज़र द्वारा रन टाइम पर की गई कोई भी एक्टिविटी जो है वो इवेंट कहलाती है, चाहे वो क्लिक हो, टाइप हो, कीबोर्ड में हम इनपुट, जो भी हम इनपुट डिवाइस है उस पर जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमारा इवेंट कहलाता है, कीबोर्ड हो चाहे वो माउस हो। तो बेसिकली दो टाइप से हम इवेंट को डिफाइन कर दिया गया है हमारे द्वारा, कीबोर्ड इवेंट और माउस इवेंट। तो हम आज हम देखेंगे कि कीबोर्ड इवेंट क्या होता है, कीबोर्ड द्वारा की गई कौन कौन सी एक्टिविटी है जो विजुअल बेसिक में हैंडल की जाती है उसे कीबोर्ड इवेंट कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि विजुअल बेसिक में हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपका दिख रहा है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर दिख रहा है इवेंट की लिस्ट। देखिए इतने सारे इवेंट की लिस्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे तीन की बोर्ड इवेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, की डाउन, की प्रेस और की अप। ये तीनों जो हैं कीबोर्ड के बेसिक इवेंट्स हैं, की डाउन, की प्रेस और की अप। तीनों में क्या अंतर है देखते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या हम इस तरीके से देख सकते हैं, हमारे पास ये एक कीबोर्ड बना हुआ है, मैंने ऐसे ही डमी बनाया है कीबोर्ड को, और इसके ऊपर जो कीज है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरीके से लाइन से की लगी रहती है और उसके नीचे एक प्लेट लगी होती है और इन प्लेट्स में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं। हर बटन के नीचे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, और जब भी हम कीबोर्ड में कोई बटन को दबाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक बटन को दबाया, अगर इस बटन के ऊपर मैंने सी लिखा हुआ है, इस बटन को जैसे दबाते हैं तो ये बटन जो है इस तरीके से इसके ऊपर जा कर के टच हो जाती है सर्किट के ऊपर, और जैसे ये सर्किट को टच होती है तो ये वाला जो सर्किट है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये वाला जो सर्किट है इसके नीचे कुछ केबल्स लगी होती हैं इस तरीके से, वो सर्किट डायग्राम में डिज़ाइन की जाती है। तो जैसे ही ये वाला बटन दबाया जाता है कीबोर्ड में, ये वाला बटन को दबाया गया, ये जो सर्किट है वो एक्टिव हो गया और इस केबल से करंट फ्लो होने लगता है और ये जो करंट है वो डिजिटल सिग्नल को लेके जाता है। तो जब कीबोर्ड को जैसे ही इससे दबाया जाता है, यहाँ पर कीबोर्ड का जो बटन है, कोई भी एक बटन, कीबोर्ड में 101 बटन होते हैं, किसी कीबोर्ड में 105 होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं कम भी होते हैं, जब भी कोई भी बटन दबाया जाता है और कोई भी बटन जब इसमें नीचे टच करता है प्लेट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, इस समय फायर होता है की डाउन इवेंट। की डाउन इवेंट फायर होता है और जैसे ही कीबोर्ड से बटन को छोड़ा जाता है तो वो फायर करता है की अप इवेंट। तो हम इसको देखते हैं कि की डाउन इवेंट और की अप इवेंट को हम यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स में आप देखेंगे कि मैं टेक्स्ट बॉक्स को जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, और जब मैं इवेंट फायर करूँगा थोड़ा सा तेज़ी से बोलूँगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं जल्दी से बोल के जल्दी से यहाँ पर छोड़ दूँगा। कीबोर्ड का यहाँ पर फॉन्ट साइज़ मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा स्पेस ले, मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए। अब कीबोर्ड, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है टेक्स्ट वन चेंज अंडरस्कोर चेंज, मैं यहाँ पर लूँगा की डाउन, ये की डाउन इवेंट है, यानी टेक्स्ट वन पर जब भी कीबोर्ड पे कोई भी बटन दबाया जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, प्रिंट कर देते हैं हम की डाउन। उसी तरीके से टेक्स्ट वन पर जब भी कोई की को रिलीज़ किया जाएगा, यानी मैं बटन को दबा के रख देता हूँ और छोड़ नहीं रहा हूँ, जैसे मैं कोई बटन दबा दिया, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई बटन दबा दिया, पी दबाया मैंने, दबा के रखा है, देखो पी दबा के रखा है, तो की डाउन इवेंट, डाउन इवेंट, डाउन, क्योंकि वो दबा हुआ है, दबा के रखा गया है, की डाउन इवेंट इस तरीके से वो दिख रहा है, और जैसे ही मैं उसको रिलीज़ करूँगा तो क्या होगा, की अप इवेंट फायर होगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर की अप इवेंट में लिखा मैंने प्रिंट अप, की अप लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है, अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स
में केवल एक अक्षर लिखूंगा, यहाँ पर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। अब हमारे पास देखिए टेक्स्ट वन में दो इवेंट हैं, मैं इसको रन कर रहा हूँ और आपके सामने यहाँ पर इवेंट है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कोई भी एक बटन फट से दबाऊंगा, जैसे बटन पहले दबेगा और फिर रिलीज हो जाएगा, जैसे मैंने पी दबाया, अब देखिए मैंने एक बटन दबाया, टेक्स्ट बॉक्स में पी लिखा और उसके बाद क्या लिखा हुआ आया, की डाउन और की अप, यानी जब भी हम कोई बटन दबाते हैं तो की डाउन होता है और फिर की अप होता है, तब एक कैरेक्टर जनरेट होता है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अब मैं यहाँ पर कीबोर्ड में जो बटन है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं पी को थोड़े देर तक दबा के रखूँगा, देखना ध्यान से आप, मैं थोड़े देर तक दबा के रखूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पर पी को मैंने थोड़े देर तक दबाया तो क्या हुआ, की डाउन इवेंट, की डाउन इवेंट, की डाउन इवेंट, की डाउन इवेंट, और फिर जब मैंने उसको छोड़ा तो की अप इवेंट, यानी कीबोर्ड से जब भी कोई बटन, और ये पी के साथ ही नहीं होता है, मैं टी दबाऊंगा तो भी होगा, अब देखिए यहाँ पर टी के साथ भी हो रहा है ये, तो कीबोर्ड में कोई भी बटन आप दबाएंगे तो ये प्रोसेस होगा, की डाउन यानी कि जब बटन दबा हुआ रहता है या डाउन करते हैं हम उसको, और जब उसको छोड़ते हैं तो की अप होता है। अब तीसरा जो इवेंट है वो है की प्रेस। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि की डाउन और की प्रेस में क्या अंतर है, तो हम देखते हैं की डाउन और की प्रेस में क्या अंतर है, एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट की प्रेस। अब आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि बटन को जब दबाया जाएगा या प्रेस किया जाएगा तो फिर की डाउन इवेंट होगा, और बटन को जब छोड़ा जाएगा तो की अप इवेंट होगा। तो की प्रेस इवेंट कब होगा, तो आपको ध्यान देना है जब भी कोई बटन दबाया जाता है कीबोर्ड में और तब वो की डाउन इवेंट फायर करता है, और जैसे ही की डाउन के बाद कोई कैरेक्टर जनरेट होता है तो की प्रेस इवेंट फायर होता है, और जब की छोड़ा जाता है तो की अप इवेंट होता है। यानी एक बटन मैं दबाता हूँ, देखिए, तो की डाउन हुआ, पी कैरेक्टर जनरेट हुआ तो की प्रेस हो गया और फिर की अप हो गया। अब मैं पी को थोड़ी देर तक दबाता हूँ, फिर से दोबारा हम इसको ऑन करते हैं और पी को मैं थोड़ी देर तक दबा के रखूँगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर की डाउन प्रेस, की डाउन प्रेस, की डाउन प्रेस, की डाउन प्रेस, लास्ट में की अप, जैसे ही मैंने रिलीज किया तो की अप हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर पी दबाता हूँ तो ये आ गया, लेकिन मैं टेक्स्ट बॉक्स में एंटर दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं टेक्स्ट बॉक्स में एंटर, शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, ये सारे जो बटन हैं ये तो कीबोर्ड में होते हैं, लेकिन ये जब इनको दबाया जाता है तो कोई कैरेक्टर जनरेट नहीं होता है। तो अब देखते हैं क्या होता है, मैं शिफ्ट बटन दबाने जा रहा हूँ, 1 2 3, मैंने शिफ्ट बटन दबाया, आप देखिए ध्यान से, की डाउन हुआ, कोई कैरेक्टर जनरेट नहीं हुआ लेकिन की अप हो गया, यानी कि की प्रेस इवेंट तब फायर होगा जब कोई कैरेक्टर जनरेट होगा। जैसे मैं ओ दबा रहा हूँ अभी, 1 2 3, ये देखिए अभी मैंने ओ दबाया तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, की डाउन इवेंट हुआ, फिर की प्रेस हुआ क्योंकि ओ जनरेट हुआ है, उसके बाद की अप हुआ। अब मैं देखिए यहाँ पे माउस रख दिया हूँ और साथ ही साथ अब मैं एंटर की दबाने वाला हूँ या फिर कंट्रोल की दबाने वाला हूँ, 1 2 3, मैंने कंट्रोल की दबाया, आप देखेंगे यहाँ पे की डाउन और की अप ही हुआ, की फायर, की प्रेस फायर नहीं हुआ क्योंकि कोई कैरेक्टर जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से कीबोर्ड के भी तीन प्रकार के इवेंट हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो है की डाउन इवेंट, की अप इवेंट और की प्रेस इवेंट। तो कीबोर्ड के ये बेसिक तीन इवेंट हैं और माउस के ये बेसिक तीन इवेंट हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे इवेंट हैं और इनके कॉम्बिनेशन से भी बनाया जा सकता है नया इवेंट, जैसे हम ट्रिपल क्लिक, फोर्थ क्लिक, इस टाइप से भी इवेंट, हम खुद का यूज़र डिफाइंड इवेंट भी बना सकते हैं। तो ये था कीबोर्ड इवेंट और माउस इवेंट, और आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड और माउस इवेंट के द्वारा ही हम यहाँ पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हैंडल करते हैं। इस मॉडल को, इस कंसेप्ट को ही इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहा जाता है।
तो विजुअल बेसिक ने ही नहीं, आने आगे आगे आने वाली बहुत सारी लैंग्वेजेस ने इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट को फॉलो किया है। VB.NET, जावा में भी GUI आती है। तो ये था आज के बारे में कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में। तो कीबोर्ड इवेंट्स द्वारा ही हम इसको हैंडल कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कोई बटन दबा रहे हैं, वो बटन एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर कोई डिजिट्स लिख रहे हैं, जैसे आप मैं लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ए ना लिखा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जैसे ही मैं ए प्रेस करूँ तो ए ना लिखा है, तो कीबोर्ड इवेंट ही है जो उसको हैंडल करेगा। जैसे मैं यहाँ पर कोड करके आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर ये सारे कोड को मिटा दिया है और मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में कोड लिखता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट वन अंडरस्कोर चेंज है, मैं इसको की डाउन इवेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए की डाउन इवेंट आ गया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ, यहाँ पर मैंने कोड लिख दिया है CH, इक्वल टू 13। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है इफ की कोड इक्वल टू 13। 13 जो है वो विजुअल बेसिक में एंटर बटन का कोड है, यानी जब भी मैं कीबोर्ड में एंटर बटन दबाऊंगा तो जो की कोड है वो 13 आएगा। तो जैसे ही मैं एंटर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मैसेज बॉक्स टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट एंड, मेरा कोड है, ध्यान दीजिएगा। टेक्स्ट वन में मैं कुछ भी लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कोई बटन दबाऊंगा और वो एंटर की होगा, एंटर की जैसे ही होगा, और मैं इसको ये भी करा देता हूँ, ये लीजिए यहाँ पे प्रिंट भी करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, प्रिंट की कोड। जैसे ही की कोड एंटर होगा तो मैसेज बॉक्स में लिखे हुए चीज़ को डिस्प्ले कर देगा। मैं यहाँ पे इसको रन किया, अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल ए, ये मैंने शिफ्ट दबाया और मैं इसको कैपिटल ए लिखने के लिए मैंने कोड जनरेट किया था। मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कैपिटल ए, क्या कोड जनरेट हुआ उसका 65। बी लिख रहा हूँ, क्या आया 66, 67, ABCD। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा देखिए क्या कोड आया 13, और जैसे ही वो कोड 13 आया तो वो टेक्स्ट वन में जो भी लिखा हुआ चीज़ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हो PGDCA एंटर, तो वो चीज़ जो है यहाँ से निकल के मैसेज बॉक्स में आ गई जैसे ही इसकी वैल्यू 13 हुई। तो इसी तरीके से ये इवेंट का यूज़ करके हम किसी भी प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हैं। ये था आपका कीबोर्ड इवेंट।